ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जटिलताएं बुजुर्गों में ही आती हैं। तो ये जो अवसर है इसमें ये आवश्यक है सभी लोगों के लिए कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का टीकाकरण हम जरूर करवा लें, और बड़े बुजुर्गों का और जो पहले से बीमार या कमजोर व्यक्ति है, जो पहले से किसी बीमारी आदि से ग्रस्त है, तो डॉक्टर की सलाह लेके उनका भी कोविड का टीकाकरण अवश्य करवा लीजिए। क्योंकि इन्हीं लोगों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोगों में ज्यादा जटिलताएं आती हैं, 50 साल से ऊपर वालों में भी जटिलताएं देखी गई हैं। तो अच्छा ये होगा कि जो भी व्यक्ति 50 साल से उम्र ऊपर की आयु के हैं अपना टीकाकरण अति शीघ्र करवा लें। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। जो कोविड से बचने के तरीके हैं उनका उपयोग लगातार करते रहिए। हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी संक्रमण नहीं फैलाएंगे, और संक्रमण बिल्कुल ही नियंत्रित रहेगा। तो किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर संपर्क कीजिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा आपने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और अब कुल एक्टिव मामले 600 से भी घट गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक समय 30 अप्रैल को कुल मामले 3,10,000 थे और प्रतिदिन आने वाले मामले 23 अप्रैल को 38,000 थे। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में और उनके द्वारा स्वयं किए गए निरीक्षण और प्रोत्साहन के वजह से आज प्रदेश में संक्रमण की दर न्यूनतम है और संक्रमण उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो 3T ट्रेस टेस्ट और ट्रीट का जो फॉर्मूला अपनाया गया, उसके साथ साथ एक कुछ अभिनव प्रयोग किए गए जो कि देश में विदेश में कहीं नहीं किए गए, वो ये कि ट्रेस के लिए निगरानी समितियां बनाई गई, ट्रेस के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर हर आदमी का, घर परिवार के लोगों का हालचाल लिया, उनका टेम्परेचर लिया, उनसे लक्षणों की जांच की। 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों तक व्यक्तिगत रूप से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें या निगरानी समितियां पहुंची और उन्होंने पहुंच के उनका हालचाल लिया, लक्षणों की जानकारी ली और यदि कोई लक्षणयुक्त व्यक्ति पाया गया तो उसकी तुरंत जांच कराकर उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया और इस पूरी चेन को वहीं रोकने का प्रयास किया गया। और ये जब आप इस समय जब देश में और प्रदेश में, विदेश में हजारों की संख्या में, कई देशों में और हमारे देश के कई प्रदेशों में हजारों की संख्या में प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में अभी 2/3 में कुल मामले हैं। बहुत सारे जनपदों में एक भी मामला नहीं है, 11 जनपद के आसपास ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ही नहीं है और नए मामले भी बहुत कम आ रहे हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो पूरे देश में एक अपने रूप, अपने प्रकार से एक अभिनव प्रयोगों के साथ वो सामने उभर के आया है। और उसके साथ साथ जहां पर कि टीकाकरण पे विशेष अभियान चलाकर जोर दिया गया है और देश में सबसे अधिक टीका लगाया गया है, सबसे अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रदेश है, सबसे अधिक टीके लगाने वाला प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर उनका हालचाल लेने वाला प्रदेश है। तो ये पूरा एक जो मॉडल उत्तर प्रदेश का निकल के आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में, ये उस मॉडल का जो है एक सफलता है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि वर्तमान में
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान गरीब अन्न कल्याण योजना में अन्न का वितरण हो रहा है। एक दिन में 81 लाख से अधिक 3,42,00,000 लोगों को 5-5 किलो प्रति व्यक्ति राशन वितरण किया गया है और उसके साथ साथ 25 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के मजबूत थैले उपलब्ध कराए गए हैं। ये एक दिन में पूरे इतिहास में देश में विदेश में कहीं भी नहीं हुआ होगा कि इतने अधिक लोगों को एक दिन में राशन वितरण किया गया पूरे प्रदेश में। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और एक अभियान की तरह से उसे पूरा किया गया। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। आज लगभग 1,92,00,000 से अधिक कार्ड होल्डर को राशन दिया जा चुका है और लगभग 3,60,00,000 जो हमारी राशन कार्ड हैं उनमें लगभग 15 करोड़ लोगों को ये राशन इस अभियान में 15 दिन में उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा भी इतना ही राशन मुफ्त दिया जा रहा है अपने यूनिट कार्ड होल्डर्स को। तो ये प्रक्रिया नवंबर तक चलेगी। कोरोना की वजह से आई आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये जो हमारे कार्ड होल्डर हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे ये राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी अपनी तरह का एक एक अभिनव प्रयोग है। मैं आगे ये भी बताना चाहूँगा कि कल 9 तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन का की जो है वो उस दिन मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के क्रम में जो हमारे वो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें से काकोरी का भी एक कार्यक्रम है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको अवगत कराना है कि दिनांक 9 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के 2,31,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में धनराशि अंतरित करेंगे और वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत कासगंज में स्थापित कोल्ड स्टोरेज के लाभार्थियों से भी वार्ता करेंगे। और ये किसानों के हित में जो प्रदेश सरकार काम कर रही है, मैंने पहले बताया था कि प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉर्ड इस बार फसल खरीदी गई है, गेहूं खरीदा गया और अभी धान खरीद की भी प्रक्रिया तेजी से जो है उसको कराने की सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की गन्ना भुगतान जो कई वर्षों से लंबी था वो भी लगभग पूरा किया गया। 1,40,000 करोड़ से अधिक भुगतान पुराने देयों के समेत किया गया है। और हर सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक फसल खरीदने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। मैं फिर से स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बहुत ही कम हो गया है परंतु अभी गया नहीं है, इसलिए हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। हाथ धोते रहें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें। धन्यवाद। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।